मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग की शिकायत का मामला सामने आया है। बता दें कि कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में एक छात्र के साथ रैगिंग की गई है, जिसको लेकर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र ने अपने साथियों के साथ कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी को एक लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज की। प्रस्तुत आवेदन में छात्र ने बताया कि 4 से 5 दिसंबर की रात को MPAD के छात्र गुरुदेव और उसके साथियों ने हॉस्टल में छात्रों को गेट खुलवाकर बुलाया और परेशान किया। इसी क्रम में छात्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी ने मामला एंटी रैगिंग कमेटी को भेजने के साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। रैगिंग का मामला है, वो कुलपति जी ने उसको पूरा संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले को, छात्र की समस्या को सुना, छात्र ने आरोप लगाया है कि उनके सीनियर छात्र उनसे डांस कराते हैं और काम मतलब इस तरह से अभद्रता करते हैं। तो इस पूरे मामले को उसने शिकायत कुलपति से की। कुलपति ने इस पूरे मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए मामला प्रोक्टोरियल बोर्ड और एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है। और जो भी तथ्य सामने आएंगे, एंटी रैगिंग कमेटी और प्रोक्टोरियल बोर्ड उसका संज्ञान में लेते हुए उनके बयान लेगी और जो भी मामला सामने आएगा उसके हिसाब से।